मांग डिमांड तो ये हमारी 1998 से चली आ रही है, 1998 से लेके अब तक के पक्के करना है, कैशलेस कार्ड है, और जो कर्मचारी परमानेंट हो चुके हैं उनका जो ना किया हुआ पैसा उनको देना है, जिसको ये आनाकारी कर रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, सबसे बड़ा मैं खुली चुनौती देती हूँ, कोई कहते हैं सबसे बड़ा अगर किसी ने धोखा किया है तो हमें सीला सरकार ने कहा है, पहुँचाइए उसके पास, क्योंकि 2012 में जो चौथा वित्त आयोग की रिपोर्ट उसको पास करनी थी उसने वो पास ना करके और जो ना तीन भाग करके चली गई है, जिसका खामियाजा मेरा कर्मचारी आज भर रहा है कि आज उसको सड़कों पे त्राई त्राई है। रही सही कसर केजरीवाल ने पूरी कर दी कि 2012 का जो उनको पास करना था वो आज 2018 में भी इन्होंने पास नहीं किया है, और जिसके लिए आज कोर्ट पहुंच रहे हैं, पेंट पहुंच रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा शोषण अगर किसी ने किया है, ऑन रिकॉर्ड बताती हूँ, सबसे ज्यादा शोषण किया है तो हमारा सीला सरकार ने किया है, जो बिना जांचे परखे और तीन भाग करके चली गई, जिसकी वजह से मेरे कर्मचारी को आज तनख्वाह के भी लाले पड़े हुए हैं। मैडम, एक तरफ जो इस समय सरकार चल रही है वो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो आज कुछ बेटियां भी रोड पर हैं, जिस तरीके से आप भी किसी की बेटी हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी का वो हैं, तो क्या मोदी सरकार का जो ये चर्चा थी और मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों में कितना पूरा हुआ है? हाँ, इस बात से हम अंदर से नाराज हैं मोदी सरकार से कि ना हमारा बेटी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना हमारा बेटा पढ़ रहा है, ना हमारी बेटी पढ़ रही है, ना हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब सड़कों पे है। इस बात से हम में रोष है मोदी जी की सरकार में, मोदी जी सरकार से कि शोषण हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, ऑन रिकॉर्ड सच्चाई ये है कि हमारा शोषण सबसे ज़्यादा कर रहा है तो ये झाड़ू वाला कर रहा है, जो झाड़ू का निशान लेके मेरे कर्मचारी जिसमें गुमराह हो गए और आज इसको सत्ता में बैठा दिया, आज मेरे ही कर्मचारियों को इसने सड़कों पे उतरने को मजबूर कर रखा है। मैं बताना चाहती हूँ, बाबा साहब का जो नारा था कि कलम पकड़ो, लेकिन जैसे बाबा साहब की वजह से ही तो आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज हमारे आरक्षण मिला हुआ है जिसपे आज भी लोग विरोध करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ बाबा साहब के आशीर्वाद से बहुत से बच्चे हमारे आईएएस आईपीएस और पीसीजी और सब शशि वाला जी, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, मनुवादियों को इसलिए पेट दर्द हो रहा है, इसलिए उनको जैसे ही पता चला कि इनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं तो उन्होंने अपनी सोची समझी साजिश के तहत ये हमें जो ना कुठारा घात किया है कि ना इनके बच्चे पढ़ पाए, ना लिख पाए, ना ये सक्षम हो पाए, ना इनको इकट्ठा पैसा दो, ना टाइम पे सैलरी दो। तो जब किसी को कमजोर करना हो ना तो उसकी माड़ी हालत खराब कर दो, इन्होंने वो सोची समझी साजिश इनके तहत चल रही है जिसके हम शिकार हो रहे हैं। आगामी योजना क्या रहेगी आपको इस धरने को लेकर? आज कमिश्नर की जो बात हुई, कमिश्नर से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आप उससे नाखुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नाखुश है, किसी भी हाल में वो तो जो ना खाली हाथ आके खड़े होके कहते हैं कि हड़ताल खत्म कर दो। हमने कहा कि कुछ है आपके पास देने के लिए, कह रहे नहीं। मैं बड़े दुख की बात है कि देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन काम कराने के लिए पास इनके पास पावर होती है। मैं कहती हूँ टीपर खरीदे जा रहे हैं, मशीनें खरीदी जा रही हैं, लेकिन सिर्फ नहीं है तो मेरे सफाई कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। ठेकेदारों को भी पहले से पैसे दे दिया जाता है शायद, सब कुछ क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलती है, और हम बहिष्कार करते हैं, हम अभी बहिष्कार करके आए हैं इनका, और आगे से कल से हमारी रणनीति ये रहेगी कि अब अगर इन्होंने हमारी ये हठधर्मी दिखाई तो अभी तक तो हमने कूल डाउन जैसे हड़ताल कर रहे थे, अब हम टीपर को भी रोकेंगे और हमें जो ना ढलाव को भी पैसे कूड़ा नहीं उठने देंगे, अब हम बताएंगे कि कैसे काम रोका जाता है और अपने आंदोलन को तेज करेंगे।